व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे यार। आदि पुरुष, अब देखो इसको साइड पे रखो, पाई सबको साइड पे रखो। बात करते थालापति विजय की, बात करते वारिसु की, बिकॉज वारिसु का रिलीज डेट कंफर्म हो गया एंड ये रिलीज डेट से डरना चाहिए। किसको डरना चाहिए ना, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यार देखो, मैं ना अभी ट्विटर यूज कर रहा था एंड वहां पर मैं कुछ वीडियोज देख रहा था। आई थिंक जो पब्लिक थिएटर में आज मूवी देखने के लिए गई थी, आई थिंक घोस्ट या फिर पता नहीं कौन सी देखने के लिए गई थी, पता नहीं कौन सा मूवी का वो वीडियो था। वहां पर मूवी स्टार्ट होने से पहले थालापति विजय के वारिसु का एक पोस्टर दिखाया। अरे भाई, वो देख के पब्लिक जो पागल हुई है यार। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या क्रेज है थालापति का यार, क्या क्रेज है। मतलब पूरा बड़ा थिएटर नाच रहा था वो पोस्टर देख के। जब वो मूवी आएगा, जब उसका टीजर आएगा, जब उसका ट्रेलर आएगा, तो भाई कितना पागलपन मचेगा। हालांकि अभी आई थिंक कंफर्म नहीं है कि हिंदी में आएगा नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है हिंदी में आना चाहिए। हिंदी में थालापति विजय का मूवी आना चाहिए, बिकॉज इस मूवी के बारे में मैंने जितना भी सुना है, मुझे लगता है यार ये मूवी आई थिंक भाई अच्छा कंटेंट होगा, तो आपको लाना चाहिए इस मूवी को भी हिंदी में। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार। एक्चुअली देखो, ये जो आदि पुरुष है, मुझे लगता है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, विंग्लिश सब में रिलीज होने वाली है आदि पुरुष आई थिंक, ठीक है। तो अब आदि पुरुष का तो बैंड बजा पड़ा है, ठीक है। और यहां पर थालापति विजय की वारिसु का रिलीज डेट भी 12 जनवरी है, मींस के 12 जनवरी को आदि पुरुष एंड थालापति विजय की वारिसु दोनों का क्लैश होने वाला है, ये पक्का हो चुका है। अगर आप उसको भी हिंदी में रिलीज कराते हो, एक प्रॉपर तरीके से रिलीज कराते हो, एक अच्छे तरीके से रिलीज कराते हो, अगर हिंदी ऑडियंस में हिंदी के अंदर आप लोग अच्छा प्रमोशन करते हो, एंड थालापति विजय को सब जानते हैं यार, सब जानते हैं, बस आपको अच्छा सा प्रमोशन करना है, एंड प्रमोशन करने के बाद यार उसको अच्छे अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराओ यार, अच्छे तरीके से स्क्रीन दिलाओ यार, तो फिर क्यों नहीं चलेगा। कंटेंट की जीत होगी यार, कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपकी मूवी का। एंड वैसे ही मुझे तो लगता है कि भाई इनके लगे पड़े, मींस के आदि पुरुष वालों की, उसका रीजन बताता हूँ भाई। यहाँ की जो ऑडियंस है ना, हिंदी ऑडियंस अपनी श्रद्धा को लेके सिर्फ हिंदी ऑडियंस नहीं, पूरे बड़ा इंडिया यार, कोई भी यार धर्म का हो यार, अपनी धर्म को लेके सबसे आगे होता है यार। अब इनके हिसाब से वो आदि पुरुष के मेकर्स ने उनके भगवान का बेइज्जती कर दिया, ठीक है, लाइट राइट, हनुमान का, रावण का, इनका उनका बेइज्जती कर दिया। तो भाई चलो यार, 100% में से 50% लोग तो जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनका ईगो हर्ट होगा, ठीक है, कि भाई नहीं भाई ये लोगों ने ऐसा किया था, मैं तो नहीं देखूंगा, वो नहीं देखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद मोबाइल पे जरूर देखेंगे, थर्ड पार्टी ऐप से देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, ओटीटी पे देख लेंगे, बट थिएटर में देखने के लिए नहीं जाएंगे ऐसे दोगले वो। तो भाई इसका फायदा हो सकता है वारिसु को हो, एंड आपके पास ये मौका अच्छा है कि आप इसको पैन इंडिया रिलीज करो, एंड हिंदी में भी रिलीज करो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारी के सारी लैंग्वेजेस में रिलीज करो, प्रॉपर एक पैन इंडिया में रिलीज करो, अच्छे तरीके से प्रमोट करो, एंड आओ प्रभास के सामने। क्योंकि भाई ये क्लेज में सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहता कि भाई सिर्फ और सिर्फ साउथ में हो, मैं देखना चाहता हूँ पैन इंडिया पे ये क्लेश हो। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्रभास का स्टारडम आज के टाइम पे बाहुबली के बाद भले पैन इंडिया लेवल पे थालापति विजय के से ज्यादा दिखता होगा, पर थालापति विजय का क्रेज भी भाई बहुत है, एंड मूवी कंटेंट पे चलता है, एंड थालापति विजय को पूरी की पूरा इंडिया का, पूरी की पूरा वर्ल्ड उस बंदे को भी जानता है। सिर्फ भाई अच्छा कंटेंट चाहिए। बीस्ट रिलीज हुआ, वो भाई वो लोग एकदम बेकार कंटेंट को वो लोग ने हिंदी में रिलीज कर दिया, तो वो नहीं चला। उसके बाद मास्टर आया था, मास्टर का तो ये लोग ने प्रमोशन ही नहीं किया, ऐसे ही रिलीज कर दिया कोरोना टाइम पे, कोरोना ऐसे गया था और ऐसे मूवी लेकर चले आए, तो कहां से कोई आएगा। वैसे गांड फट रही थी सबकी कि भाई कोरोना ना चिपक जाए, और उसके बाद बीस्ट वो बेकार कंटेंट था। तो भाई अभी तक थालापति विजय का कोई प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज हुआ ही नहीं है, यही देखना। अगर वारिसु, अभी वारिसु वाले भी गलती कर रहे, क्योंकि भाई अगर आपके पास ये मूवी रिलीज करने के लिए मुश्किल से नवंबर एंड दिसंबर दो महीने का समय है, दो महीने का टाइम है आप लोगों के पास, तो अभी तक आप लोगों ने पैन इंडिया लेवल पे इस मूवी का अनाउंस कहां किया है? आप लोग भी फिर से ऐसे ही करोगे बीस्ट की तरह, भाई दो दिन पहले बताओगे इसको हिंदी में रिलीज कर रहे, तो फिर तो ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगा पैन इंडिया लेवल पे। भाई पहले से अनाउंसमेंट करना पड़ता है, प्रेमिस पहले से प्रमोशन करना पड़ता है, जो कि ये लोग करते नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि फ्लॉप हो जाता है, चलता नहीं है, तो भाई आपको पहले से अनाउंस करना पड़ेगा। अब वारिसु का मेरे को नहीं पता है ये पैन इंडिया पे रिलीज होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बट थालापति 67 का मैं अभी से गारंटी लेता हूं, क्योंकि लोकेश कनगराज ने भाई अभी से ही माहौल बना दिया है, उसने पहले से ही बोल दिया है कि भाई वो हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, उसने पहले से ही बोल दिया है कि भाई वो विक्रम के साथ कनेक्ट होगा, वो भाई वो केतु 2 के साथ कनेक्ट होगा, और जबरदस्त तरीके का यूनिवर्स बनेगा भाई। हो सकता है सूर्या का भी आपको रोलेक्स का भी आपको कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिले, तो भाई उसने तो पहले से भाई आग लगा दिया है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर। थालापति 67 का मैं गारंटी ले सकता हूं, आराम से बोल रहा हूं मैं भाई, उसका कंटेंट, भाई कंटेंट तो पसंद आएगा आएगा डेफिनेटली यार। लोकेश कनगराज यार, इस बंदे का सब मूवी जबरदस्त होता है, वो चलेगा ही चलेगा, वो तो मेरे को पता है, बट अगर बेटर तरीके से प्रमोशन कर देंगे ना, सही तरीके से प्रमोशन कर देंगे ये, तो भाई पुष्पा की तरह ना हिंदी से 100 करोड़ ला सकती है ये,
मजाक नहीं कर रहा हूं, क्यों उसका रीजन बताता हूं भाई। जिस तरीके से पुष्पा का पूरे के पूरे इंडिया के अंदर क्रेज है ना, मेरा मतलब है अल्लू अर्जुन का पुष्पा से पहले जिस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में क्रेज था ना, वैसे ही थालापति विजय को भी पूरे के पूरा इंडिया जानता है। बट साला प्रॉब्लम यहां पे कि भाई थालापति विजय को भी पुष्पा जैसा मूवी चाहिए जो कि भाई सबकी वाट लगा डाले और सबके जुबान पे टेस्ट ला दे, कि भाई उनको मजबूर कर दे कि आपको थिएटर पे इसको देखने के लिए आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आओगे ना तो आप बहुत कुछ मिस कर डालोगे। उनको भाई टेस्ट देना पड़ेगा, उनको लालच देना पड़ेगा अच्छी मूवी का। आप अच्छा कंटेंट हो लेके आओ, फिर कौन बोलता है कि मूवी देखने के लिए नहीं जाएंगे। अबे कार्तिकिया 2 आता है, वो हीरो को झांटू कौन जानता है नहीं है, फिर भी कंटेंट के दम पे देखो वो हिंदी में रिलीज करवाते हैं। सीतारामम देखो, सलमान सर दुलकर सलमान, वो देखो कंटेंट के दम पे लोहे चबा रहा है। तो भाई अच्छा कंटेंट तो लाओ, फिर देखते पब्लिक क्यों सपोर्ट नहीं करती है यार, अच्छा कंटेंट लेके आओ। एनीवेज वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हां क्या क्या बोल रहा था, अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टाटा, लव यू।